यात्रा को लेकर उत्तराखंड प्रशासन हुआ अलर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ सोनल पांडे। आगामी 2022 कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत कलियर थाना की धनोरी चौकी प्रांगण में होटल ढाबा संचालकों की एक बैठक थाना अध्यक्ष मनोहर भंडारी की अध्यक्षता में की गई। इस क्रम में थाना अध्यक्ष मनोहर भंडारी ने कहा कि होटल व ढाबा संचालकों को अपने होटल या ढाबे के बाहर होटल के नाम के साथ ही प्रोवाइडर का नाम लिखना भी अति आवश्यक होगा। उन्होंने कहा कि होटल व ढाबे पर पठनीय रेट लिस्ट लगाने के साथ संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए CCTV कैमरे स्थापित करना प्रत्येक होटल व ढाबे संचालकों के लिए अनिवार्य होगा। कहा कि कांवड़ यात्रा के चलते मांस मछली अंडे आदि पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। यदि कोई होटल या ढाबा संचालक मांसाहारी की बिक्री करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल से लाई जाएगी। थाना अध्यक्ष मनोहर भंडारी ने कहा कि समस्त होटल व ढाबा संचालक अग्निशमन के उपकरण लगाने हेतु कांवड़ियों के साथ बेहतर व्यवहार करने अथवा उच्च अधिकारियों द्वारा किए गए दिशा निर्देश का सख्ती से पालन करें। उन्होंने होटल व ढाबा संचालकों से कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न करने की अपील की है। इस अवसर पर सोनू कश्यप, सुधीर उर्फ जोनी सैनी, निविन सैनी, योगेंद्र सिंह, सुखदेव सैनी, संदीप सैनी, देशराज पूर्व प्रधान, जोधराज सैनी आदि लोग उपस्थित रहे। प्राइम न्यूज 24 से तरुण उपाध्याय की रिपोर्ट।